हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम जूनियर कॉलेज। वी हैव स्टार्टेड विद आवर फिफ्थ चैप्टर दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया, गुड गवर्नेंस। इन दैट वी स्टडीड इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड मीनिंग, देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, लाइक हाउ ड्यू टू गो ग्लोबलाइजेशन हाउ द वर्ल्ड हैज केम क्लोजर। In that we saw the like communication and all social networking, all this led to an transparency and strong networking and strong connectivity. Then we saw international institution. There are certain international institution like International Monetary Fund, World Bank, then United Nations Development Program, United Nations Environmental Program, etc. These all are the international agency, international institution which provide you the fund. Then non-state actor, apart from this there is a voluntary organization and non-government organization started playing an important role in public administration. Now we are going to see today the values of good governances. First value is the participatory. Participatory kya hai? It is one of the most essential aspect of the good governance. Effective functioning of any democratic system requires people's participation. Like government बोलती है ना, वोट करो जाके, वोट करो। वोटिंग के दिन क्यों ऑफिसर्स को सबको छुट्टी रहती है? हाँ, क्यों गवर्नमेंट सबको छुट्टी देती है? गवर्नमेंट को क्या मज़ा आता है क्या छुट्टी देने में? नहीं, सो दैट पीपल कम एंड वोट। आप जितना वोट दोगे उतना आप बेटर रहेगा ना, उतना अच्छा गवर्नमेंट, उतना बेटर सही कैंडिडेट आएगा फॉर योर बेटरमेंट, राइट? इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, वोट करो। बट आजकल लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडे है ना, आज वोटिंग की छुट्टी है, वोट को तो नहीं जाते, अपन पिकनिक पे चले जाते बोल के जाते हैं। बट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग दिस, इज इट राइट और रॉन्ग? एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। हाँ, आज आपका हक है, आज आप आपका हक छोड़ के भाग रहे हो क्या छुट्टी मनाने? एक छुट्टी मिल गई तो चलो बाबा छुट्टी मनाने, वन डे पिकनिक पे चले जाते हैं। इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। गवर्नमेंट छुट्टी क्यों दे रही है? विथ सम इंटेंशन, विथ सम मोटिव, सो दैट यू गो एंड वोट। सो गवर्नमेंट कब अच्छे से चल पाएगा? जब सिटीजन उसका साथ देगी, राइट? वी पीपल हेल्प द गवर्नमेंट। हाँ, व्हेन वी, जब अपन अपना काम अच्छे से करेंगे, जब अपन पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? अपन जब गवर्नमेंट फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से, तभी तो वो गवर्नमेंट अच्छा से काम करेगी। इट इंश्योर्स दैट वॉइस एंड चॉइस ऑफ पीपल आर हर्ड। वॉइस और चॉइस ऑफ पीपल क्या है? दोनों सुने जाते हैं। लाइक आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या परेशानी है, सब सुना जाता है ना। पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। पीपल को क्या मिलता है? पीपल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करे। अगर सपोज आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे लास्ट ईयर 11th आपका 11th स्टैंडर्ड की 11th कॉमर्स का 11th कॉमर्स की रिप्रेजेंटेटिव मैं थी, राइट? वॉट इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम, यू केम टू मी, राइट? आई वेंट टू द डायरेक्टर, प्रिंसिपल एंड ऑल। तो क्या हुआ, आपका जो भी प्रॉब्लम है इट वेंट थ्रू मी ना। अगर सपोज आपकी मैं कोऑर्डिनेटर नहीं होती और कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं होता आपका, आप क्या करते? हर टीचर को अलग 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 कंप्लेन करते, हर कोई आके टीचर को अलग अलग कंप्लेन करता, हर टीचर जाके प्रिंसिपल आगे डायरेक्टर को कंप्लेन करती, वुड इट बी हेल्पफुल? कुछ होता था क्या? हाँ, सब टीचर परेशान रहते थे, आप खुद भी परेशान रहते थे, राइट? और टॉप लेवल मैनेजमेंट वो भी परेशान रहता था, राइट? बट आज क्या है, आज अपने कॉलेज में हर जगह क्या कर दिया अपन ने, वी हैव वन आवर रिप्रेजेंटेटिव, राइट? एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो उस क्लास की पूरी प्रॉब्लम देखेगा और जो भी क्लास का पूरा प्रॉब्लम है वो टॉप लेवल तक लेके जाएगा, राइट? और टॉप लेवल का जो भी डिसीजन रहेगा, दे विल कम्युनिकेट टू मी एंड आई विल कम्युनिकेट टू यू। ये क्या है, देयर इज अ प्रॉपर पार्टिसिपेशन, राइट? इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों इफेक्टिव होगा। सो पार्टिसिपेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो यू बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया या वी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
It is our right to vote and participate in the government decision making implementing process. Now next is the rule of law. The supremacy of the law of the land, that is constitution, is another core value of the good governance. The constitutional values are the guiding post for the administration. गाइडिंग पोस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. आज अपना जो भी लिखा है, रूल्स लॉज जो भी लिखे हैं, क्या है, सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है. अपना जो भी काम गवर्नमेंट काम करती है, इट इज़ बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एज आई स्टेटेड इन आवर अर्लियर लेक्चर्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ पूरी डिटेल के साथ, पूरे माइन्यूट के साथ लिखी हुई है. लाइक वैल्यूज़, गवर्नमेंट कैसा काम करना चाहिए, कौन से गवर्नमेंट के क्या वैल्यूज है, हाँ, वॉट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोज, वॉट आर हिज ड्यूटी, एवरीथिंग इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो आज आपने को अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू. सो इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल आर ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ द लॉ. लॉ के सामने हर कोई इक्वल है ना. लाइक अमीर आदमी के लिए लॉ अलग है, गरीब के लिए लॉ अलग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. जज जो भी डिसीजन लेता है वो ये देख के लेता है क्या, अरे ये अमीर है इसके फेवर में डिसीजन देता हूँ, अरे ये गरीब है ये मेरे कभी काम में नहीं आएगा तो इसके अगेंस्ट डिसीजन देता हूँ, ऐसे जज कभी डिसीजन देते हैं क्या? नहीं, जज कांट गिव डिसीजन लाइक वाइज. जज को डिसीजन सही और गलत क्या है ये देख के ही डिसीजन देना है. इट एंश्योर्स अ जस्ट एंड फेयर पॉलिटी वेयर राइट्स ऑफ द पीपल आर सेफ गार्डेड. लॉ के सामने सब इक्वल है, एवरीथिंग इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. तो आपके राइट्स जो भी है वो सेफ गार्ड रहते हैं वहाँ पे, राइट? कुछ भी डिसीजन लेने से पहले योर राइट्स आर सेफ गार्डेड फर्स्ट. देन नेक्स्ट इज Transparency. The culture of secrecy has been challenged by the value of transparency. आज अपना culture वगैरह क्या है, challenge हुआ था पहले, हाँ, बट आज सब transparent है ना. Like महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाएगा, हाँ, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाएगा, बिहार में बिहारी बोली जाएगी. Like it is very clear ना कि हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, हर कल्चर का अपना अपना रूल्स है, सबके कल्चर अलग अलग है, राइट? एंड ऑल आर फ्री टू फॉलो द कल्चर विच एवर दे वॉन्ट. इसमें सब में क्या है, ट्रांसपेरेंसी है. दिस एनेबल द पीपल टू कीप द गवर्नमेंट अंडर पब्लिक स्क्रूटिनिटी. इससे क्या होता है, गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर सकता है, राइट? इन इंडिया सिंस 2005 द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट has been given the citizen the right to seek information related to the functioning of the government. अभी इंडिया में 2005 के बाद क्या आया है एक रूल, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. इंफॉर्मेशन आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो गवर्नमेंट्स के पास से, हाँ, और उसके रिलेटेड गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है ये भी आप देख सकते हो. लाइक गवर्नमेंट ने बोला है कि बाबा ये रोड हमने बनाया था लास्ट ईयर, तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उस रोड के लिए कितना बजट यूज़ किया, कहाँ से आया, राइट? और जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट के पास से. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसपेरेंसी. सो आज गवर्नमेंट को भी ज़्यादा घोलमाल करने नहीं आता, हाँ, हालांकि वो करते हैं, नो डाउट इन दैट, बट देर है ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है थोड़ी सी उसमें. नेक्स्ट इज द responsiveness. Good governance requires that institutions and processes try to serve all stakeholders within a responsible time frame. अभी government के पास certain contractor रहते हैं, stakeholders रहते हैं, तो उनकी तरफ पे भी government की कुछ responsibility रहती है ना. Government has some responsibility towards its stakeholder. तो क्या है पहला responsibility, उनको time to time सारा information देना, राइट? अगर उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब कुछ टाइम पे देते रहेंगे तभी तो गवर्नमेंट का उन पर भरोसा रहेगा और दोनों का भरोसा एक दूसरे पे
रहेगा. द गवर्नमेंट इज प्रॉम्प्ट इन टेकिंग डिसीजन एंड स्पेशली प्लेस हीड टू द प्रॉब्लम्स एंड डिज़ाइन द पॉलिसी अकॉर्डिंगली. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर स्टेक होल्डर खुश रहेंगे, एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली, देन गवर्नमेंट टेक अ प्रॉपर डिसीजन और जो भी है प्रॉब्लम वो फटाफट सॉल्व कर सकती है. राइट. नेक्स्ट इज कंसेंस ओरिएंटेड. देर आर सेवरल व्यू पॉइंट्स इन अ गिवन सोसाइटी. अभी हर सोसाइटी में अलग अलग व्यूज रहते हैं. आप एक सोसाइटी में रहते हो तो इसका मतलब ये है क्या सबके व्यूज सेम है यहाँ पे? नहीं. Everyone has its own views. Good governance requires a dialogue between various segment of the society. Good government governance क्या लिखता है, देखता है हर किसी के साथ proper segment देखता है of the society. This can help to reach a broad consensus on what is the best interest of the whole community and how this can be achieved. ये क्या होता है, this can help to read a broad consensus. मतलब society क्या चाहती है, what the society wants to achieve. This can be communicated to the government, communicated to the governance. तभी government को अच्छे से पता चलेगा और तभी वो government अच्छे से काम करेगी. It also requires a broad and long-term perspective on what is needed for sustainable human development and how to achieve the goals of such development. अब इसे क्या होता है, अपने को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में हेल्प करता है ना. लॉन्ग टर्म में अपने को हेल्प होगा और जब गवर्नमेंट अपने को अच्छे से सर्व करेगा तो गवर्नमेंट को भी लॉन्ग टर्म में हेल्प होती है एंड इवन वी कैन बी हैप्पी ना. और अपने गोल्स जो भी है डेवलपमेंट को लेके, सोसाइटी को लेके, वी कैन अचीव दैट इन अ प्रॉपर एंड मोर इफेक्टिव वे. नेक्स्ट इज द इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस. अ सोसाइटी well-being depends on the ensuring that all its members feel that they have a stake in it. अभी society को क्या है, society को एक feeling, जो भी लोग society में रहते हैं उनको एक feeling रहनी चाहिए ना कि even I am the part of this society, हाँ, even I play an important role, हाँ, he should not be left alone. किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि I am not the part of the society. You live in a society, so directly or indirectly, you become the part of the society. This require all groups but particularly the most valuable have opportunities to improve or maintain their well-being. उसमें फिर सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं बट हर एक का पार्टिसिपेशन, हर एक के वैल्यूज हाँ इम्पोर्टेंट है. अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको, तभी तो क्या होगा, सब कुछ अच्छे से मेंटेन रहेगा एंड एवरीथिंग विल गो ऑन वर्क स्मूथली. नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस एंड इफिशंसी. गुड गवर्नेंस मीन्स दैट प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी वाइल मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल. गुड गवर्नेंस कब बोलेंगे अपन, जब लोग खुश रहेंगे, जब सोसाइटी खुश रहेगी, जब उनके हित में, जब उनके फेवर में सब कुछ डिसीजन चलेगा, everything goes on in a proper process and results can be met as per the society's need, right? Resources has been utilized properly, tabhi apan bolenge na everything is effective and going on efficiently. The concept of efficiency in this context of good governance also cover the sustainable use of natural resources and the protection of the environment. The concept kya hai, द कंसेप्ट ऑफ इफिशेंसी क्या है, इफिशेंसी यानी क्या, अच्छे से गवर्नमेंट काम कर रही है. इट टेक अवर्स ऑल द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अपन प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं और अपना एनवायरनमेंट अपन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आज अपना एनवायरनमेंट अपने को खुद ही प्रोटेक्ट करना है ना, कितनी भी कुछ भी एजेंसी आने दो, कुछ भी आने दो, बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. Right? So effectiveness and efficiency plays a important role. Then next is accountability. Accountability is a key requirement of the good governance. Not only governmental institution but also the private sector and civil society organization must be accountable to the public and to their institutional stakeholder.
जो भी आपके हैं रिक्वायरमेंट्स, उन सबका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको पता चलना चाहिए आपका पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है। लेट इट बी अ प्राइवेट सेक्टर और सिविल बॉस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, राइट। हैव यू सीन बहुत बार न्यूज़पेपर में बहुत सारे पब्लिक बॉडीज़ के आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिंट होके आता है, न्यूज़पेपर में आता है। क्यों देते हो न्यूज़पेपर में? सो दैट द पब्लिक कम्स टू नो अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक और इट कैन बी अ पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर कंपनी एक्सेट्रा। ओके, हु इज अकाउंटेबल टू हुम डिपेंड्स ऑन वेदर डिसीजन और एक्शन टेकन आर इंटरनल और एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। कौन किस को रिपोर्ट करेगा, ये डिसीजन किस पे रहता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कैसा है, राइट, उस पे सारा ये डिसीजन बेस्ड होता है। इफ यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर, आपको ये सारा किसको दिखाना है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट सेक्टर है तो कितने लोग हैं उसमें, एक ही आदमी सब कुछ चला रहा है कि दो तीन आदमी मिलके प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। इट्स ऑल डिसीजन इज बेस्ड अपॉन द योर एक्शंस, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के जो भी एक्शन है उस पर डिपेंड रहता है। इन जनरल एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन इज अकाउंटेबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाई इट्स डिसीजन और एक्शन। जनरली ये किसको बताते हैं, अकाउंटेबिलिटी किसको रहती है, जिस पे असर होता है। जैसे मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, आई हैव इन्वेस्टेड इन यू, राइट। तो आपका जो भी अकाउंट्स है, जो भी डिटेल्स है, आई शुड नो इट। वाई आई शुड नो इट? क्योंकि मैंने पैसा लगाया है, मेरा पैसा लगा है आपकी कंपनी में, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं जानूँ मेरा पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, उस पैसे का मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है। आई शुड नो ऑल दिस। इन जनरल एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन इज अकाउंटेबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन और एक्शन। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एनफोर्स विदाउट ट्रांसपेरेंटी, विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ। अभी अकाउंटेबिलिटी क्या है, अपन फोर्सफुली नहीं हो सकती ना, वो ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ ही है वो, राइट। वो एक लॉ ही है। मेरे को असर होने वाला है, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, आई एम गोइंग टू बी अफेक्टेड, सो आई हैव द राइट टू सी ऑल द डिटेल्स, टू नो ऑल द डिटेल्स, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द अकाउंटेबिलिटी। सो वैल्यू ऑफ गुड गवर्नेंस इंक्लूड पार्टिसिपेटरी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वी विल सी द इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। विल सी दिस पार्ट टुडे। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया अडॉप्टेड अ सोशलिस्ट एंड वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अभी जैसे ही अपने को इंडिपेंडेंस मिली, अपन ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट एंड वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच हैड अ फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच अपन ने सिलेक्ट किया, उसके अंदर मेन एम क्या था, पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट। पीपल जितना पार्टिसिपेशन करेंगे उतना अपने को प्रॉपर वर्किंग करने को एक राह मिलेगी, विल गेट द बेटर वे, इफेक्टिव वे। हाउएवर डिस्पाइट पीरियोडिक एफर्ट्स एंड प्रोग्राम्स, जेन्युइन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस वॉज नॉट एबल टू बी अचीव्ड। अपन एफर्ट्स ले रहे थे, वी वेर प्रिपेरिंग सर्टन प्रोग्राम्स, हाँ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी हो रहा था, बट गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू अचीव द प्रोग्रेस। गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स लिए एंड इवन द पीपल ऑल्सो टुक एफर्ट्स, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव इट्स गोल। देर माइट बी सर्टन रीजन टू इट। ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। अभी
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ इंडिया के पीछे कौन देखता है, हु लुक्स आफ्टर इट, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पब्लिक ग्रीवियंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे ऐसे अलग 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 डिपार्टमेंट हैं, वो सारे क्या करते हैं, दिस ऑल वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन इंडिया. उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, अभी पेंशन के लिए गवर्नमेंट वगैरह सेट की हुई है, राइट. पहले पेंशन लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती थी, अब मिलती है क्या, अब पेंशन के लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, राइट. इफ़ यू हैव सम कंप्लेंट्स हाँ अबाउट गवर्नमेंट, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, पब्लिक ग्रीवियंसेस गवर्नमेंट है, लाइक पब्लिक ग्रीवियंसेस बोल के हैं. इधर क्या होते हैं, आपके सारे जो भी इशूज़ हैं ना गवर्नमेंट को लेके, आपका गवर्नमेंट ऑफिसर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ ट्रबलिंग यू एंड ऑल, यू कैन जस्ट गो एंड कंप्लेन देयर अगेंस्ट हिम. इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. इन सब का एम क्या है, प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आना चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, हाँ, और सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से ही चलना चाहिए. मेन एम क्या है इन सब का, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर पॉलिसी फॉर्म करो, प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करो, और सब कुछ इट शुड गो इन अ प्रॉपर प्रोसेस. सेकेंड इज प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विथ एम्फोसाइज ऑन ग्रीवियंस रिड्रेसल. किस पे काम करना है अपने को, अपने को सिटीजन के ऊपर काम करना है, लाइक जो भी है सिटीजन शुड बी हैप्पी, राइट. सिटीजन्स के जो भी है प्रॉब्लम जो भी है फटाफट सॉल्व करो और उनके प्रॉब्लम पे ध्यान दो, राइट. सेकेंड क्या था, प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विथ एम्फसाइज ऑन ग्रीवियंस रिड्रेसल. थर्ड क्या है, कंडक्ट इनोवेशंस इन ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उसमें नए नए आइडियाज लाओ. आज आपका सब कुछ घर पे बैठे बैठे सॉल्व होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, यू डोंट गो, आपको लाइन में जाके खड़ा नहीं पड़ना रहना पड़ता है, आप आपके मोबाइल के थ्रू बिल भर सकते हो, राइट. आपकी जो भी कंप्लेंट्स है आप ऑनलाइन गवर्नमेंट को भेज सकते हो. इसमें नए नए प्रोग्रेस आए हैं, नए नए प्रोग्रेस हो रहे हैं, अडॉप्ट दैट, कंडक्ट दैट, ओके. द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज सेटअप विद अ मैंडेट टू प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट फॉर रिवैपिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया. फिर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था क्या, वॉट वॉज द मॉडल, टू प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट. एक ब्लू प्रिंट बनाओ जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कैन वर्क इन अ प्रॉपर वे, कैन वर्क इन अ बेटर वे. इट वॉज एक्सपेक्टेड टू सजेस्ट मेजर्स टू अचीव अ प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. उसका मेन एम क्या था, सर्टन मेजर्स सजेस्ट करो ताकि हम गवर्नमेंट, ताकि हम लोगों की कंप्लेंट को फटाफट रिस्पॉन्स कर सके, सब कुछ काम अच्छे से कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे कंट्री में अच्छे से हो सके एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट हर लेवल पे गवर्नमेंट रहती है ना, लाइक आप नगर पालिका, लाइक किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाओ, किधर भी जाओ, हर लेवल की एक गवर्नमेंट रहती है. सो एट ईच एंड एवरी लेवल गवर्नमेंट शुड परफॉर्म इन अ प्रॉपर वे, इन अ इफ़िशेंट वे. हाँ, अगर गवर्नमेंट हर लेवल पे अच्छे से काम करेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, लाइक सिटीजन की हेल्प करने के लिए ट्राई टू एक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन, तभी तो गवर्नमेंट अच्छे से चल पाएगा, राइट. और ये गवर्नमेंट एक लेवल पे ही अच्छे से चलेगा क्या, नहीं. इफ दिस वर्क गोज ऑन एट ऑल लेवल, देन ओनली हर लेवल का गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगा. वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द कमीशन वॉज कंसर्न विथ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. एक इम्पॉर्टेंट काम क्या था, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन था. द कमीशन मेंटेन्ड दैट गवर्नेंस इन ऑर्डर टू बी सिटीजन सेंट्रिक शुड बी पार्टिसिपेटिव एंड ट्रांसपेरेंट. द कमीशन का क्या था एक एम, जो भी है सिटीजन का जो भी है कंप्लेन जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड सिटीजन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम.
इट शुड बी इफेक्टिव इफिशियंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन। और गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम करती है, जो भी स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर रही है, वो किसके लिए होना चाहिए? इट शुड बी बेटरमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, राइट। जो भी काम कर रहे हो आप सिटीजन के लिए काम कर रहे हो। अगर सिटीजन खुश रहेंगे, उनकी कंप्लेंट फटाफट सॉल्व रहेगी, सॉल्व होती जाएगी, तो क्या है, तभी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगा। फर्दर मोर एन इथॉस ऑफ सर्विंग द सिटीजन शुड प्रीमेट ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल टू द पीपल। फर्दर मोर क्या है, सिटीजन का क्या है, सिटीजन को गवर्नमेंट का काम है सिटीजन को सर्व करना, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल। लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए लोगों के। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। एक प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टेट का, इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। स्टेट का एक काम है कि लाइक जो भी है आप सिटीजन के लिए काम करो, उनकी भलाई के लिए काम करो, और उनको उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स निकालो और उसको प्रमोट करो। आज अपन देखते हैं ना, किसान लोगों के लिए कॉल सेंटर वगैरह ओपन किए गए हैं। इफ़ सर्टन फार्मर फेसेस प्रॉब्लम विथ हिज सीड्स, दे कैन कॉल द कॉल सेंटर, हाँ, देन दे विल कम एंड चेक एंड दे विल टेल यू पुट दिस दिस फर्टिलाइजर, डू दिस दिस। इससे क्या होता है, फार्मर को आज हेल्प हो रही है ना, सो दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर। आज एग्रीकल्चर क्या है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। अगर एग्रीकल्चर अच्छे से आज डेवलप करेंगे तभी तो अपना कंट्री डेवलप होगा। तो फार्मर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया अपन ने, उनके लिए कॉल सेंटर्स डेवलप किए, सब किया। अभी एग्रीकल्चरल बैंक भी अलग किया है रूरल एरिया में, हाँ, क्यों किया, ताकि फार्मर को लोन चाहिए तो कम दाम में ही कैन गेट द लोन क्विकली एंड ही कैन वर्क ऑन इट। Therefore, an evaluation of the functioning of the institution of governance will ultimately have to be based on the satisfaction that they provide to the citizen. अभी ultimately क्या है अपना aim? Government का aim क्या है? To provide satisfaction to the citizen. Ultimate aim क्या है अपना? Citizen को satisfaction मिलना चाहिए। और अपन काम किसके लिए कर रहे हैं? Government किसके लिए बनी है? Citizen के लिए ही बनी है। और वो citizen ने क्या किया है? Citizen has built up the government for their betterment, and now it is the role of the government to look after the citizen and provide them the complete satisfaction. In this regard, prominence would need to be attached to the voice of the citizen themselves. Ab government acche se kab kaam karegi, jab citizen uska saath denge, jab citizen सही गलत में गवर्नमेंट का साथ देंगे। जब अगर गवर्नमेंट सही है तो स्टैंड अप विद द गवर्नमेंट, इफ़ यू फील द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग देन रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट, राइट। अगर आपने इफ़ यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट देन ओनली आपका कुछ हो सकता है, और तभी गवर्नमेंट को अच्छे से काम कर पाएंगे। नाउ अभी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये सारा अपन विल लुक इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक